केंद्र सरकार ने 2021 में गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एक्ट में संशोधन किया था। इसमें दिल्ली के उपराज्यपाल को कुछ और अधिकार दे दिए गए थे। आम आदमी पार्टी ने इसी कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। दिल्ली में केजरीवाल ही किंग, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सीएम पावरफुल, एलजी का कद घटा। देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने गुरुवार को दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच विवाद पर अपना अहम फैसला सुना दिया है। दिल्ली सरकार की वही शक्तियां है जो दिल्ली विधानसभा को मिली है। दिल्ली सरकार को सर्विस एज पर विधायी और कार्यवाही अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम 2019 में जस्टिस अशोक भूषण के फैसले से सहमत नहीं है। जस्टिस भूषण ने 2019 में पूरी तरह केंद्र के पक्ष में फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पढ़ते हुए कहा, दिल्ली विधानसभा के सदस्य दूसरी विधानसभाओं की तरह सीधे लोगों की तरफ से चुने जाते हैं। लोकतंत्र और संघीय ढांचे के सम्मान को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। हालांकि कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 239 AA दिल्ली विधानसभा को कई शक्तियां देता है, लेकिन केंद्र के साथ संतुलन बनाया गया है। संसद को भी दिल्ली के मामले में शक्ति हासिल है। पीठ ने प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण को लेकर दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से फैसला दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे गुट की उस याचिका पर फैसला सुनाया है जिसमें शिंदे गुट के 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की गई थी। बच गई महाराष्ट्र की शिंदे सरकार, क्या सुप्रीम कोर्ट ने किया, देखते इस रिपोर्ट में। लंबे इंतजार के बाद सुप्रीम कोर्ट का महाराष्ट्र राजनीतिक संकट मामले को लेकर फैसला आ गया है। फैसले के बाद शिंदे गुट को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि वह विधायकों की अयोग्यता पर फैसला नहीं लेंगे। इसके लिए स्पीकर को जल्द फैसला लेने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट का सामना नहीं किया, ऐसे में उनको बहाल नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि विहिप को पार्टी से अलग करना लोकतंत्र के हिसाब से सही नहीं होगा। पार्टी ही जनता से वोट मांगती है। सिर्फ विधायक तय नहीं कर सकते कि विहिप कौन होगा। उद्धव ठाकरे को पार्टी विधायकों की बैठक में नेता माना गया था। 3 जुलाई को स्पीकर ने शिवसेना को नए विहिप को मान्यता दे दी। इस तरह 2 नेता और 2 विहिप हो गए। स्पीकर को स्वतंत्र जांच करके फैसला लेना चाहिए था। गोगालवे को विहिप मान लेना गलत था क्योंकि इसकी नियुक्ति पार्टी करती है। इसके साथ ही पूरा मामला बड़ी बेंच के पास भेज दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। कांग्रेस पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ पहले भी गठबंधन में चुनाव लड़ चुकी है। हालांकि उस वक्त पार्टी की स्थिति काफी मजबूत थी। 2024 में महागठबंधन बनने पर बिहार, यूपी और बंगाल में कांग्रेस को कितनी सीटें मिल सकती है, आइए देखते अंदर की बात में। 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार, यूपी और पश्चिम बंगाल की भूमिका अहम रहने वाली है। इसकी अपनी 2 वजह भी है। पहला तो ये कि तीनों राज्य में लोकसभा की 162 सीटें हैं। दूसरा कारण इन राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों के साथ कांग्रेस की संभावित मोर्चेबंदी। नीतीश कुमार को आगे कर कांग्रेस उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में महागठबंधन को मूर्त रूप देने की कोशिश में जुटी है। ममता बनर्जी और अखिलेश यादव ने साथ देने की बात कही है, लेकिन महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इस पर सस्पेंस कायम है। यूपी और पश्चिम बंगाल की सत्ता से कांग्रेस 40 सालों से ज्यादा वक्त से बाहर है। इन राज्यों में मजबूत पकड़ बनाने के लिए कई प्रयोग किए गए, लेकिन सब ढाक के 3 पाथी साबित हुए। नीतीश कुमार 2024 में बीजेपी को 100 सीटों पर समेटने का दावा कर चुके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे भी कांग्रेस की सरकार बनने की भविष्यवाणी कर चुके हैं, तो नीतीश कुमार भी इसके लिए कांग्रेस हाई कमांड से रणनीति भी साझा कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। पाकिस्तान में ऊपर से चोर कोतवाल को दांते जैसी हालत देखने को मिल रही है। पीएम शहबाज शरीफ के सहयोगी अत्तातरार ने कहा कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर भारत में मिठाइयां बांटी गई। ये सब कुछ आरएसएस के कहने पर हुआ, कब पाकिस्तान की अकल ठिकाने आएगी, देखते रिपोर्ट में। पाकिस्तान में इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद से देश की हालत बिगड़ चुकी है। पाकिस्तान के कई शहरों में पीटीआई समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान 19 लोगों की जान चली गई। इस बीच पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के विशेष सहायक
अता तरार ने दावा किया कि आरएसएस और बीजेपी की तरफ से भेजे गए लोग पाकिस्तान में तोड़फोड़ और आगजनी कर रहे हैं। ये सारे लोग भारत से आए हैं। ये लोग आरएसएस और बीजेपी की ओर से भेजे गए हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी के पीछे आरएसएस और बीजेपी के जुड़े हुए लोगों का हाथ है। अता तरार ने कहा कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर भारत में मिठाइयां बट रही है, सब आरएसएस के कहने पर हुआ। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद से पूरे देश में व्यापक अशांति और हिंसक अराजकता फैल गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएस। भारत सरकार इस्लामाबाद में डिप्लोमेटिक मिशन और भारतीय राजनीतियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। पाकिस्तान में हालात पहले से अधिक अलर्ट पर भारत को रहने की जरूरत है। आइए जानते हैं स्पेशल रिपोर्ट में। इस्लामाबाद हाईकोर्ट से इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान जल रहा है। पाकिस्तान सरकार के मुताबिक हिंसा और आगजनी में अब तक 5 अधिकारी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पाकिस्तान में पनपे हालात से सबसे अधिक अलर्ट पर भारत को रहने की जरूरत है, क्यों? आइए इसे विस्तार से जानते हैं। प्रदर्शनकारियों की रडार पर सेना के रहने की वजह से भारत को अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तानी सेना किसी वारदात को अंजाम दे सकती है। पाकिस्तान में सेना की विश्वसनीयता अब भी खतरे में पड़ती है तो भारत पर पाकिस्तान हमला कर देता है। भारत ने खतरे को भांपते हुए एलओसी पर अलर्ट जारी करते हुए सीमाओं पर चौकसी बढ़ाने का निर्देश किया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ को भी अलर्ट पर रखा है, जिससे पाकिस्तानी सेना के मंसूबे के बारे में जानकारी मिल सके। 2011 और 2013 में पाकिस्तान की सेना भारतीय सेना पर कायराना हमला कर चुकी है। 2013 में भारत के 12 सैनिक शहीद हुए थे। पाकिस्तान इसके अलावा आतंकियों के जरिए भी भारत की सीमा पर घुसपैठ की कोशिश करता है। ब्यूरो रिपोर्ट। कर्नाटक के चुनाव प्रचार के दौरान कथित तौर पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के लिए कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ पार्टी की शिकायतों पर मनमानी शक्ति के उपयोग और कार्यवाही की कमी द्वारा संविधान का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। क्या चुनाव आयोग लेगा एक्शन? आधी रात संदेश देने से किसको फायदा, किसको नुकसान? आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। बीजेपी ने जहां कर्नाटक की संप्रभुता के मुद्दे पर सोनिया गांधी के खिलाफ कार्यवाही की मांग कर कांग्रेस की मान्यता रद्द करने का प्रस्ताव पेश किया है, वहीं कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ समेत अन्य नेताओं के खिलाफ शिकायत की है। कांग्रेस का दावा है कि मोदी सहित अन्य नेताओं ने प्रचार अवधि समाप्त होने के बाद मतदाताओं से भाजपा को वोट देने की अपील कर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। साइलेंट पीरियड में प्रचार करने पर उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। विश्लेषक कांग्रेस की शिकायत को वास्तविक बता रहे हैं, क्योंकि सोमवार को चुनाव प्रचार शांत होने के बाद मोदी सहित नेताओं ने यह अपील की थी। उनके मुताबिक यह आयोग के निष्पक्षता की परीक्षा है। मतदान से एक दिन पहले मोदी ने कर्नाटक के लोगों को निवेश, नवाचार और उद्योग में राज्य को नंबर एक बनाने के लिए भाजपा को वोट देने के लिए आधी रात को एक वीडियो संदेश जारी किया। बीजेपी के अन्य नेताओं ने भी इसी तरह के वीडियो जारी किए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। कर्नाटक विधानसभा चुनावों में जेडीएस के चुनावी अभियान को राष्ट्रीय मीडिया ने ज्यादा जगह नहीं दी है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि पार्टी मैदान से नदारत है। दूर से देखने पर कर्नाटक विधानसभा चुनाव द्विध्रुवीय संघर्ष नजर आ सकते हैं, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के बीच जेडीएस ने तीसरी शक्ति के रूप में लगभग 2 दशकों से अपनी जगह बनाई हुई है। इस बार राष्ट्रीय मीडिया में जेडीएस का चुनावी अभियान नहीं नजर आ रहा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पार्टी मैदान से नदारद है। पार्टी ने कुल 224 सीटों में से करीब 200 पर अपने उम्मीदवार उतारे। पूरे राज्य में पार्टी के अभियान का प्रमुख चेहरा रहे पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमार स्वामी ने इस बार मिशन 130 का नारा दिया है। विधानसभा में बहुमत के लिए 113 सीटें चाहिए, यानी 123 का मतलब हुआ पूर्ण बहुमत। 1999 में जेडीएस के गठन के बाद से पार्टी ने हर चुनाव में कई सीटें जीती है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या वो कभी हासिल नहीं कर पाई। 2018 में पार्टी ने 37 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जिसके बाद उसने कांग्रेस से हाथ मिलाकर सरकार बनाई थी। रिपोर्ट के मुताबिक इस बार भी पार्टी के 18 से 20% वोट प्रतिशत हासिल करने की संभावना है। अगर ऐसा हुआ और किसी को भी बहुमत नहीं मिला तो जेडीएस एक बार फिर किंग मेकर बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी।
भाजपा को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले दक्षिणी राज्य में प्रभावशाली अल्पसंख्यक समुदाय तक अपनी पहुंच बनाने में मदद मिल सकती है। केरल में बीजेपी का झुकाव ईसाइयों की तरफ है, आखिर क्या क्यों भाजपा को ईसाइयों की जरूरत पड़ रही है? चुनाव को लेकर क्या भाजपा केरल में खेल रही है ईसाई कार्ड? आइए देखते हैं अंदर की बात में। भाजपा ने केरल में प्रभाव बढ़ाने के लिए ईसाई कार्ड खेलने का शुरू कर दिया है, जहां कांग्रेस और सीपीएम फिल्म द केरल स्टोरी का विरोध कर रहे हैं और इसे बैन करने की मांग कर रहे हैं। वहीं बीजेपी ने मलयाली ड्रामा ककू कली का विरोध शुरू किया है। नाटक को कैथोलिक बिशप्स काउंसिल द्वारा ईसाई विरोधी कहा गया है। भाजपा ने HCPBI के साथ ककू कली नाटक पर प्रतिबंध लगाने की मांग शुरू की है। ककू कली नाटक पिछले 2 वर्षों से चल रहा है। इस नाटक में ईसाई समुदाय में व्याप्त कुरीतियों को दूर कर समाज में सुधार की वकालत की गई है। KCBC के अध्यक्ष कार्डिनल बेसिलियोस क्लिमिस का दावा है कि ककू कली ईसाई धर्म के बारे में गलत जानकारी फैलाता है। पिछले विधानसभा चुनाव में ज्यादातर ईसाइयों ने वाम मोर्चों को वोट दिया था, लेकिन इस मुद्दे पर ईसाई नाराज है। केरल में भाजपा को खाता खोलने के लिए ईसाइयों के समर्थन की जरूरत है और इसीलिए भाजपा ने मौके का फायदा उठाया है। ब्यूरो रिपोर्ट। भाजपा नेता तरुण चुग ने दिल्ली में TMC के सुप्रीमो और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तुलना मोहम्मद अली जिन्ना के साथ की। तरुण चुग ने क्या किया ममता बनर्जी पर शाब्दिक हमला, देखते हैं अंदर की बात में। ममता बनर्जी ने द केरल स्टोरी पर बैन लगाने के बाद पश्चिम बंगाल में सियासी बवाल मचा दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय नेता तरुण चुग ने ममता बनर्जी को नए जमाने की जिन्ना बताया है। तरुण चुग ने कहा कि ममता देश के हर राष्ट्रवादी काम में अड़ंगा लगाती है। ममता एक आधुनिक नेता जिन्ना है, क्योंकि उन्हें भारत के विकास सहित देश की हर चीज में तकलीफ है। बीजेपी का मानना है कि द केरला स्टोरी पर ममता का बैन बंगाल में हिंदुत्व की लहर पैदा करने का तख्ता है। लोकसभा चुनाव में बंगाल समेत पूरे देश में बीजेपी को बड़ा फायदा मिल सकता है, इसलिए इस मुद्दे को उठाना जाना चाहिए। इसी के चलते बीजेपी शासित राज्यों में फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया जा रहा है। हालांकि भाजपा विरोधी दल द केरल स्टोरी विवाद का अपने लाभ के लिए और विशेष रूप से मुस्लिम मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उपयोग कर रहे हैं। यही कारण है कि तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल सरकार ने इस फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट। फिनिक्स की तरह सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की लड़ाई बूझी हुई राख से बाहर आ जाती है। इस बार लड़ाई तगड़ी मानी जा रही है। इसकी वजह गहलोत का एक बयान है। कौन सा था वो मुद्दा जो बना विवाद की वजह? नौतपा से पहले ही राजस्थान में सियासी तपिश महसूस होने लगी है। कांग्रेस के अंदरूनी झगड़े में इस बार बीजेपी भी कूद पड़ी है। इसकी दो वजह भी है। पहला तो अशोक गहलोत का मोदी कैबिनेट के 3 मंत्रियों पर सरकार गिराना और पैसा बांटने का आरोप लगाना। गहलोत ने दावे में कहा अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान और गजेंद्र सिंह शेखावत ने विधायकों को पैसे बंटवा दिए। सभी विधायकों को 10-10 करोड़ रुपए मिले। हमने सभी विधायकों से कहा है कि उसके पैसे वापस कर दे। अगर किसी ने पैसे खर्च कर दिए है तो उसे मैं दे दूंगा या कांग्रेस हाईकमान से दिलवा दूंगा। दूसरा कारण वसुंधरा राजे की भूमिका है। सियासी गलियारों की चर्चा को अशोक गहलोत ने जुबान दे दी, साथ ही सरकार बचाने के लिए वसुंधरा को धन्यवाद भी। गहलोत के दावे पर एक और सवाल उठा है तो दूसरी तरफ सचिन और वसुंधरा ने पलटवार किया। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच करीब 3 सालों से अदावत चल रही है। जानकारों का कहना है कि पायलट गहलोत के सियासी लड़ाई से कांग्रेस का नुकसान होना तय है। पाकिस्तान में इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने सार्वजनिक संपत्तियों के अलावा निजी संपत्तियों को भी निशान बनाया है। पेशावर में PTI समर्थकों ने कुछ बकरियां चुराकर 20 बकरियों को जिंदा जला दिया। कैसे है पाकिस्तान के हालात, आइए देखते हैं अंदर की बात में। पाकिस्तान तहरीकी इंसाफ के मुखिया और पूर्व प्रधानमंत्री और इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात हो गए हैं। PTI के कार्यकर्ता देश में हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं। पेशावर में रेडियो पाकिस्तान की इमारत को आग के हवाले कर दिया गया, जबकि देश के कई अन्य हिस्सों में भी सार्वजनिक संपत्ति को जमकर नुकसान पहुंचाया गया है। कई जगहों पर दुकानों में भी लूटपाट हुई है। पेशावर पुलिस के मुताबिक यहां करीब 20 बकरियों को जिंदा जला दिया गया और बाकी बची हुई बकरियों को प्रदर्शनकारी चुरा ले गए।
उन लोगों ने चारखाना चौक उर्फ बच्चा खा चौक से ये बकरियां चुराई, जहां बकरियां, खरगोश, कबूतर और बंदरों की बिक्री होती है। इससे पहले प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारी मोर और स्ट्रॉबेरी चुराते हुए नजर आए थे। एक वीडियो में मोर के साथ नजर आया शख्स यह कहते हुए नजर आया कि वे आवाम का पैसा है, इसलिए हम मोर ले जा रहे हैं। यही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने स्टेशनरी का सामान, फ्रोजन स्ट्रॉबेरी और कोर कमांडर की वर्दी भी चुरा ली। ब्यूरो रिपोर्ट, जीए। भारत सरकार समर्थित ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के बाजार में आने के बाद से फूड एग्रीटेड प्लेटफॉर्म स्विगी और जोमेटो को कड़ी टक्कर मिल रही है। अब इससे स्विगी और जोमेटो को कितना खतरा, आम आदमी को कितना फायदा, देखते इस रिपोर्ट में। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स को सितंबर 2022 में बीटा के रूप में लॉन्च किया गया था। कई ग्राहकों ने हाल ही में नेटवर्क पर फूड और ग्रोसरी की डिलीवरी सर्विस के बारे में जाना और उनमें से कई इस बात पर हैरान हुए कि ओएनडीसी ऑर्डर लेने वाले एप्स पर खाना स्विगी और जोमेटो जैसे लोकप्रिय डिलीवरी सर्विस एप से सस्ता है। मामला केवल खाने के सस्ता होने का नहीं है, शेयर बाजार में लिस्टेड जोमेटो के शेयरों पर भी ओएनडीसी का असर दिख रहा है। पहले से ही घाटे में चल रही कंपनी के शेयर में मंगलवार को करीब 7% की गिरावट दर्ज की गई। दरअसल अमेरिकी फंड मैनेजर निवेशकों ने प्रतिस्पर्धी फूड डिलीवरी एग्रीगेटर स्विगी का मूल्यांकन घटाकर आधा कर दिया है, जिसका असर जोमेटो के शेयरों में भी देखने को मिला। रिपोर्ट के मुताबिक यहां आकलन करना जल्दबाजी होगी कि ओएनडीसी स्विगी और जोमेटो के कारोबार को कैसे प्रभावित करेगा, लेकिन यहां खतरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएस। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में अगले कुछ दिनों में तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। आईएमडी ने कई राज्यों में लू लगने की भी संकेत दिए हैं। सूरज सितम धाने को तैयार, पारा 42 डिग्री के पार, देखते रिपोर्ट में। देश में हुई बेमौसम बारिश के बाद गर्मी का प्रकोप फिर से शुरू हो गया है। राष्ट्रीय राजधानी समेत देश के ज्यादातर राज्यों में चिलचिलाती गर्मी फिर से पड़ने लगी है। इसके अलावा आने वाले कुछ दिनों में देश में कई इलाकों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही कुछ राज्यों में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़ और गुजरात में अगले कुछ दिनों में तापमान में वृद्धि देखने को मिल सकती है। गुजरात के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान 42 डिग्री तक पहुँच चुका है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक इन राज्यों में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में लगभग 4 से 5 डिग्री की वृद्धि देखने को मिल सकती है। साथ ही कुछ जगहों पर हीट वेव की स्थिति के आसार है। मौसम विभाग के मुताबिक साइक्लोन मोचा की वजह से कर्नाटक, केरल, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुंडिचेरी, कराईकल में अलग अलग जगहों पर तेज बारिश हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएस।